हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है। लेकिन इस फिल्म को, दृश्यम 2 को, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक आपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है, जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रेया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की, तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रेया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की, तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी, जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के, इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन्स हमारे सामने देखने को मिलता है। इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रेया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी।
मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट के श्रेणी में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है, जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़ तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने और अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी, इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी।
और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है। और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है। और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चला जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है। और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है। और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंक कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरुण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरोमा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी।
मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज़ की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चर्मस्कर्त है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रेया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रेया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की, तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी।
जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के कि इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता है। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़ तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है।
विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है, जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी, परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है, जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है, जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है, जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चला जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA के खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंक कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है।
परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर। मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरन ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरोमा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमोत्कर्ष है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है, जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है।
इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रिया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रिया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की, तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी, जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता है। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट के श्रेणी में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है, जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है, क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और शलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5
5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी, इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चलाया जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा वहीं में से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।
उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है, और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है, और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है। और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंग कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है, और तरण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरोमा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज़ की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमोत्कर्ष है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी
धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है। लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी भी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है, जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रिया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रिया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेत यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की, तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी, जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यशराज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के कि इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता है। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है, जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था।
दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है, क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने और अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना M.M. वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी, इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नैंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी, परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था
और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है। और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चलाया जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है। और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है। और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA के खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंक कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरुण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरामा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज़ की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल, कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें
निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमस्कर है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ़ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है क्योंकि फिल्म में इसके ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी भी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक आपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रिया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रिया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था जो मूल रूप से 2013 के मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को
अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और शलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना M.M. वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या
करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है, जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है, जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है, जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के द्वारे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चला जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चर्मोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, जिसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंग कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चर्मोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था।
और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरन ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरामा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज़ की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चर्मस्कर्त है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ़ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसके ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी भी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है, जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रिया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की, तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला
शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रिया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था जो मूल रूप से 2013 के मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट के शैली में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और शलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना M.M. वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है।
इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी, इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें, मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार, जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है, जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी, परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है, जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है, जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है, जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के द्वारे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चलाया जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है।
जिसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंग कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक डीएनए विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरोमा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमोत्कर्ष है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल
एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक आपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रिया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रिया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था जो मूल रूप से 2013 के मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता। इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट के श्रेणी में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना M.M. वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादता के पुनरुत्थान पर एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी, इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के द्वारे पड़ने लगते हैं जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चलाया जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के
जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है। और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, जिसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंग कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरुण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरामा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमोत्कर्ष है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ़ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है। लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है, जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रेया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रेया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की, तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 के मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी, जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी। मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता है। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रेया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट के शैली में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है, जो कि सिर्फ
तीन सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़, तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने और अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना M.M. वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं।
उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है। और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है। और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चला जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है। और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है। और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA की खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, जिसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंग कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरुण ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरोमा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी।
फिल्म की रिव्यूज़ की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमस्कृत है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 फिल्म के बारे में। अगर आप इस मूवी को देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फिल्म को आप कहां पर देख सकते हैं और यह मूवी आप कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मूवी की पूरी स्टोरी, फिल्म के रिलेटेड कई जानकारी और अननोन फैक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले बता दें, इस फिल्म को अभी थिएटर में रिलीज कर दी गई है और फिल्म को आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मूवी धीरे धीरे थिएटर में पुरानी हो चुकी है क्योंकि फिल्म में इसकी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 मूवी रिलीज कर दी गई थी, तो इस वजह से फिल्म में इस मूवी का थिएटर में कुछ स्क्रीनिंग कम कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाती है कि फिल्म को अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहें तो मूवी को 60 दिन तक वेट करना होता है या फिर 30 दिन तक वेट करनी होती है, लेकिन इस फिल्म को दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। अभी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी आपको वहां पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन, फिल्म की कास्टिंग और यह फिल्म आपके लिए बनी है कि नहीं और आप इसे कितनी बेहतरीन तरीके से फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दृश्यम 2, बात करें इस फिल्म को अभिषेक पाठक के द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज भारतीय हिंदी भाषा की एक अपराधिक थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम इसकी 2021 की मलयालम फिल्म पर आधारित है जो कि 2015 में फिल्म आई दृश्यम की यह अगली कड़ी है। इसके बदले में 2013 में इसी नाम की एक मलयालम फिल्म का रूपांतरण किया गया था और पूर्ववर्ती के 7 साल बाद फिल्म ने अजय देवगन और तब्बू के साथ साथ अक्षय खन्ना और श्रेया शरण की भूमिका की वापसी दिखाई गई है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कमाई भी करी है। आपको इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इस बात करें इस फिल्म की तो मृणाल यादव और रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, कमलेश रावत इस फिल्म में हमें सहायक भूमिका में उनको देखा जाता है। फिल्म का निर्देशक अभिषेक पाठक ने दिया है और यह फिल्म अमील कियान खान के द्वारा लिखी गई है। फिल्म का हमें अभिषेक पाठक और संवाद को उन्होंने ही दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें, जीतू जोसेफ के द्वारा फिल्म को कहानी लिखी गई है और यह फिल्म जीतू जोसेफ की ही दृश्यम 2 मूवी पर आधारित फिल्म रही है। मूवी के निर्माता इस फिल्म में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और फिल्म में कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्माता रहे थे। मूवी के अभिनेता बात करें तो अजय देवगन, पुनीत, अक्षय खन्ना, श्रेया शरण, इशिता दत्ता जैसे बेहतरीन कैरेक्टर इस फिल्म में हमें अभिनेता यानी कि लीडिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी का छायांकन इस फिल्म का सुधीर के चौधरी ने दिया है जो काफ़ी बेहतरीन है। इस फिल्म में आपकी बात करें उत्पादन की तो यह फिल्म दृश्यम 2 2021 की सफलता के बाद इसका नाम किया गया था, जो मूल रूप से 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम 2013 की अगली कड़ी रही थी जो कि फरवरी 2021 में रिलीज करी गई। यह निर्णय लिया गया कि अभिषेक पाठक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह बहुत ही बेहतरीन परत के साथ मूवी बेहतरीन बनाई जाएगी।
मूवी को पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा निर्मित और यश राज फिल्म के द्वारा वितरित करी गई थी और मूवी का रीमेक सीक्वल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी और फिल्म को अधिकतर बॉलीवुड मूवी में क्योंकि शूट की गई थी तो फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें इस खास बात के कि इस फिल्म को बॉयकॉट पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी और मूवी का काफ़ी अच्छा सीन हमारे सामने देखने को मिलता। इससे हमें ये तो पता चले जाता है कि फिल्म अगर मूवी में दम हो तो बॉयकॉट इससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और यही इस फिल्म के साथ हुआ भी था। मूवी ने बहुत ही बढ़िया कमाई करी थी और फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज भी की गई थी। मूवी में अजय देवगन और श्रिया शरण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग करी गई और मूवी तब्बू 26 अप्रैल को सेट पर शामिल हुई थी। बाद में फिल्म में अक्षय खन्ना 30 अप्रैल को शामिल हुए हैं और मूवी की शूटिंग 21 जून तक फिल्म हैदराबाद में पूरी हो चुकी थी। मूवी में गाने की बात करें तो एल्बम देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाने को दिए गए हैं और फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की श्रेणी में इसे रखा गया है। फिल्म में गाने कुछ ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिल्म में लंबाई लगभग 10 मिनट के आसपास दिखाई गई है जो कि सिर्फ 3 सॉन्ग की बात कही गई है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 15 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी और दूसरे दिन 21 करोड़ तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल इस फिल्म में एक सप्ताह का कलेक्शन 64 करोड़ हो गया था। फिल्म ने दृश्यम 2 सोमवार को शानदार पकड़ बनाई थी और शुक्रवार को लगभग 20% की गिरावट आई और शुक्रवार से ही फिल्म बहुत ही अच्छी 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी। फिल्म ने सोमवार का कलेक्शन लगभग 11 करोड़ नेट बताया था और लगभग इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दृश्यम 2 को भी शानदार कलेक्शन के साथ जारी किया गया है क्योंकि इसने इस फिल्म में 10.50 करोड़ एकत्रित किए थे और फिल्म 5 दिन का बिजनेस 85 करोड़ तक पहुंच गया था। मूवी 6 जनवरी 2023 तक फिल्म भारत ने 237 करोड़ की कलेक्शन करी और टोटल दुनिया भर में इस फिल्म की कलेक्शन 340 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिल्म में दृश्यम 2 को समीक्षकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली गई थी और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और मूवी को पैसा वसूल अनुभव करार दिया था। और इसी के साथ साथ फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी थी और लिखा कि दृश्यम 2 बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट हैं जो आपको पूर्ववर्ती की तरह से बांधे रखता है और सलगांवकर की कहानी जारी रहेगी और सार्वजनिक स्मृति पर बने रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को कमबैक किया गया है। इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकाग ने फिल्म की 5 में से 3.5 की रेटिंग दी और फिल्म को मोहनलाल के द्वारा अभिनीत यह मूल मलयालम दृश्यम और इसके हिंदी रीमेक के बीच में विस्तृत तुलना की पेशकश करते हुए लिखा कि यह एक अनुकूल है जो जीतू जोसेफ की कहानी ईमानदारी और पुनः पेश करते हुए हमें उस सांस्कृतिक रेटिंग का स्वाद देता है जो केरल से प्रत्यारोपित किया गया था। एक नए स्थान के साथ काम करता है जो पिछले दशक में बॉलीवुड में देखी गई पूर्वाग्रह सामाजिक रूढ़िवादिता के पुनरुत्थान का एक ताज़ा बदलाव को चिन्हित करता है। इसी में द प्रेस के फ्री जनरल के रोहित भटनागर ने भी फिल्म को काफ़ी अच्छा कहा था और मूवी को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म की तारीफ करी थी। लेकिन इस फिल्म के कई सारे पॉइंट्स में हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करे गए हैं और इसी वजह से फिल्म काफ़ी बेहतरीन भी हमारे सामने दिखाई गई है। मूवी को अच्छी स्टोरी के साथ बनाया गया है और फिल्म काफ़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ ढाला गया है। फिल्म ने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन भी करी थी इस वजह से मूवी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस के शालिनी नेंगर ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बता दें मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ से तो फिल्म में दिखाया जाता है विजय और उसका परिवार जो कि पेंडोलम में होता है और गोवा के संतोषपूर्ण जगह पर रह रहा होता है। विजय ने मूवी थिएटर खोलने के लिए अपने सपने को पूरा कर लिया है और अभी भी केबल कंपनी संचालित करता है। वह खुद को एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और पटकथा विकसित करने के लिए प्रमुख पटकथा लेखक मुराद अली के साथ लगातार संपर्क में रहता है। दूसरी ओर विजय की बड़ी बेटी अंजू PTSD की मिर्गी से पीड़ित रहती है जो कि सैम की मौत की वजह से उसका भागीदारी परिणाम स्वरूप इसके ईर्ष्या
करने वाले कई स्थानीय लोग मंजू और सैम के साथ रिश्ते में होने वाले की बड़ी और झूठी अफवाहें फैलाने का सहारा लेते हैं। नंदिनी को बहुत ज़्यादा निराश करी जाती है और नंदिनी एकमात्र विश्वास पात्र से उसकी मित्रवस्त पड़ोसी जेनी है, जिसे अवसर पर शराबी पति और शिव के द्वारा गाली गलौज की जाती है और इसी से इसे धीरे धीरे सस्पेंस का पता चलते जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय का सामना सैम के पिता महेश से होता है, जो व्यर्थ में ही सैम के अवशेष को सौंपने की भीख मांगता है। इस बीच में नंदिनी जैनी के साथ अधिक समय बिताता है, जो अनजाने में खुलासा करती है कि अंजू ने सैम की हत्या कर दी थी और इसी से अज्ञात शिव और जैनी विवाहित अंडरकवर पुलिस रहती है और वे नव नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तनूर अहलावत को सौंपा जाता है, जो मीरा के करीबी दोस्त और सहयोगी भी रहते हैं। उसी समय डेविड को जेल से रिहा किया जाता है, जो अपनी अब परित्यक्ता पत्नी के साथ मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करने के बाद वह रोजगार पाने के लिए तरस रहा होता है और इसी के बीच संघर्ष करता है और विजय अपनी माला को भी यह बात बताता है। इसी में पता चलता है कि उसका महेश लंदन का बुलावा आता है और अलग तरीके से उसमें विजय को CCTV कैमरों के माध्यम से जानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन का आसपास स्थापित कर दिया गया था। उन्हें माना जाता है कि वह छोड़ देता है और तरुण ने विजय के परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था। विजय नंदिनी और अंजू को बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करते हैं और हालांकि मीरा ने जैनी को नंदिनी से पहले कबूलनामे में एक आवाज़ में रिकॉर्डिंग का खुलासा करवा लिया था और पुलिस ने परिवार का पर्दाफाश करने के लिए परिवार से आवास को खंगाला, लेकिन गाय तोंडे और विजय के परिवार की पिटाई की जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप अंजू को एक फिट आ जाता है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें विजय वह रोक नहीं पाता और विजय उसे कबूल कर लेता है कि उसका मर्डर मैंने ही किया है और इसी के साथ में मीरा संतुष्ट नहीं होती और मांग करती है कि विजय के परिवार को भी सजा दी जानी चाहिए। मूवी की स्टोरी फिर से रिवील करी जाती है और बताया जाता है कि सैम की हत्या में इसका अलग ही हाथ होता है। सैम की हत्या के लिए विजय पर मुकदमा चला जाता है और संयोग से विजय की गिरफ्तारी के जानने के बाद में उसे मुराद, तरुण और मीरा हिमेश से मिलने आता है। उन्होंने खुलासा किया कि विजय के साथ उसकी एक मुठभेड़ के दौरान सैम वाले हत्या पर आधारित भविष्य के क्राइम थ्रिलर की एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और उन्होंने आगे का खुलासा किया कि स्क्रिप्ट को दृश्यम नामक उपन्यास में बदल दिया गया है। सैम को इसे सैम की हत्या पर आधारित रहा था और हालांकि इसे कॉपीराइट सुरक्षा के लिए इसमें मुराद के नाम से प्रसारित किया गया था, लेकिन विजय ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दृश्यम की साजिश का इस्तेमाल करके उसने फंसाने का कोशिश की है और इसी के साथ में मूवी की स्टोरी फिर से एक अलग तरीके से रिवील करी जाती है, क्योंकि किस तरीके से हमारे सामने एक अलग अलग बातों का खुलासा होता है और इसी के साथ में एक फिर से नई स्टोरी का खुलासा चलता है और इसमें दिखाया जाता है कि न्यायाधीश के DNA के खुलासे के दौरान कंकाल किए गए परीक्षण में सैम के DNA से मेल नहीं खाते हैं और हैरान रह गया है। और इसी के बीच में मुकदमा और मुराद ने खुलासा किया होता है कि विजय ने अपनी फिल्म का वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बढ़ा दिया गया है, इसमें नायक यह जानते हुए कि मूल योजना विफल हो सकती है और उसी के उम्र लिंक कोई अन्य व्यक्ति के अवशेष को खरीद कर वह करेगा, जो खलनायक का समान चोटों से मर गया था। और इसी बीच में स्थानीय कब्रिस्तान खोदने के लिए वह एक आदमी से दोस्ती करता है, जिसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के सुरक्षा कर्मियों से पास वह आता है। पुलिस स्टेशन से खोदे गए अवशेष मुर्दा घर में जब पहुंचाए जाते हैं तो नायक DNA विश्लेषण होने से पहले शवों की अदला बदली कर देता है। साक्ष्य की कमी होने के कारण विजय को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और पुलिस को अस्थायी रूप से परिवार की जाँच करने से रोक दिया जाता है। परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई समाप्त करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी व्यवस्था उसे प्रदान करने के लिए असमर्थ है। जज ने यह बताया कि इस तरह के मामले को सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट हाउस के बाहर मुराद ने मीरा के महेश में बताया कि विजय के वैकल्पिक चरमोत्कर्ष के लिए मोड़ा गया था।
और महेश और सैम को राख नदी में विसर्जित कर दी जाती है। मीरा को विजय और उसके परिवार के प्रति अपनी शत्रुता को दूर करने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब बंद हो गए हैं और उन्हें लगा कि उस पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन विजय था कि हर बात पर नज़र रख रहा था और उसे पूरे समय में ले जाया जाता है। विजय से दूर होकर देखा जाता है कि बाद में पता गंभीरता से लगाई जाती है और तरन ने विजय के कुछ परिवार से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी होता है। विजय नंदिनी और अनु से बहाना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करती है, लेकिन हालांकि मीरा नंदिनी और जाने से पहले कबूलनामे में अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करा ली जाती है। मूवी की उत्पादन कंपनी पैनोरामा स्टूडियो रही थी और इस फिल्म को वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और टी सीरीज फिल्म की यह फिल्म तीनों ही इस मूवी की उत्पादन कंपनी रही थी। मूवी का छायांकन सुधीर के चौधरी के द्वारा दिया गया है और फिल्म को हमें 140 मिनट के रनिंग टाइम पर दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा सराहना भी किया था। बात करें इस फिल्म में अजय देवगन की, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी। इस मूवी को 2023 के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म को हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सबसे अच्छी सहनायिका पुनीत के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कहानी के साथ रूपांतरित किया गया और आमिल कियान खान और अभिषेक पाठक इस फिल्म में हमें निर्मित दर्शक के लिए बनाए गए थे। मूवी नवंबर 2022 में जीतू जोसेफ की पुष्टि की कि दृश्यम 3 भी आएगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही दृश्यम 3 का चरमस्कृत है और हम बस ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं जो कि लास्ट तक ले आए। मूवी अभी थिएटर में ही लगी हुई है, फिल्म को आप अच्छे से थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर मूवी इस फिल्म को HD वर्जन में रेंट पर अवेलेबल कर दी गई है। आप इस फिल्म को आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर OTT प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर आसानी से देख सकते हैं।